20 साल के बाद चौटाला परिवार एक बार फिर हरियाणा से बाहर सियासी दमखम दिखाने के लिए तैयार बैठा है। इस बार चेहरे अलग हैं, किरदार अलग हैं और पार्टी अलग हैं। इस बार चौटाला परिवार की नई पार्टी यानी जननायक जनता पार्टी हरियाणा से बाहर शक्ति प्रदर्शन के लिए तैयार है। जननायक जनता पार्टी 25 सितंबर को राजस्थान के सीकर में एक बड़ी रैली करने जा रही है। देवीलाल की कर्मस्थली पर देवीलाल जयंती पर जेजेपी एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन करके एक दोहरा लक्ष्य हासिल करना चाहती है। जेजेपी राजस्थान के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन करना चाहती है और लगभग 20 सीटों पर दावेदारी ठोक रही है। पिछले एक साल से पार्टी के महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला लगातार जेजेपी के लिए वर्किंग कर रहे हैं और वहां पर लगभग आधा दर्जन बड़े नेताओं को जेजेपी में शामिल कर चुके हैं। जेजेपी अब राजस्थान की सियासत में भी एक अहम भूमिका निभाना चाहती है, एक हिस्सेदारी हासिल करना चाहती है। इसलिए जेजेपी अब वहां पर बीजेपी के साथ हरियाणा की तरह गठबंधन करना चाहती है। इस गठबंधन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए जेजेपी के पास सबसे बड़ा मौका, सबसे बड़ा अवसर 25 सितंबर की रैली है। 25 सितंबर को सीकर के अंदर होने वाली जेजेपी की रैली वहां पर जेजेपी के भविष्य को तय करने का काम करेगी। वहां के खेल स्टेडियम में हो रही इस रैली पर न सिर्फ राजस्थान की बल्कि हरियाणा की भी निगाह टिकी हुई है। जहां राजस्थान की पॉलिटिकल पार्टियां वहां जेजेपी के दमखम का हिसाब लगाने का काम करेंगी, वहीं हरियाणा में जेजेपी उसी दिन इनेलो की कैथल में हो रही रैली को करारा जवाब टक्कर देने का काम करेंगी। यानी जहां एक तरफ जेजेपी को 25 सितंबर को राजस्थान की सियासत के हिसाब से अपने आप को एक दमदार खिलाड़ी के तौर पर पेश करना है, वहीं हरियाणा की सियासत में उसे इनेलो से 21 साबित खुद को करना है। राजस्थान की सियासत में जेजेपी की एंट्री नई है और जेजेपी पहले ही चुनाव में वहां पर एक दमदार एंट्री करना चाहती है, वहां पर सत्ता में हिस्सेदारी करना चाहती है। जेजेपी बीजेपी के साथ सीटों को लेकर गठबंधन करने के लिए तैयार है। बेशक से जेजेपी 20 से 25 सीटों के लिए बात कह रही है, लेकिन 5-7 सीटों पर भी जेजेपी रजामंद हो सकती है। जेजेपी के लिए इस ख्वाहिश को पूरा करना आसान नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी अभी जेजेपी के साथ गठबंधन करने के मूड में नहीं है। बीजेपी का मूड बदल भी सकता है और मूड बदलने का काम कर सकती है सीकर की रैली। अगर सीकर की जेजेपी की रैली रिकॉर्ड तोड़ होती है तो फिर बीजेपी के साथ गठबंधन के दरवाजे खुल जाएंगे, और अगर जेजेपी की रैली फेल होती है तो फिर सारे के सारी संभावनाएं एक ही वार में दम तोड़ जाएंगी। यानी जेजेपी के लिए सीकर की रैली राजस्थान की सियासत को लेकर बेहद सफल करना सबसे जरूरी है। 25 सितंबर को ही प्रधानमंत्री मोदी की भी जयपुर में रैली है। ऐसे में सियासी दलों में मोदी की रैली और जेजेपी की रैली को लेकर भी कहीं न कहीं चर्चा होगी। इस चर्चा में अपने आप को दमदार दिखाने के लिए भी जेजेपी को सीकर में भारी भीड़ जुटानी होगी और उसे वहां पर दमदार शक्ति प्रदर्शन करना होगा। जेजेपी पिछले एक साल से वहां पर एक्टिव हुई है और उसे पहली बार अपने नेताओं के दमखम का एहसास होगा। राजस्थान के साथ साथ हरियाणा से भी जेजेपी के तमाम पदाधिकारी और वर्कर भी इस रैली में शामिल होंगे। ऐसे में जेजेपी इस रैली को सफल बनाने के लिए हर मुमकिन प्रयास कर रही है और उसने तमाम पदाधिकारियों को राजस्थान के सीकर के आसपास के जिलों में तैनात कर दिया है। सैकड़ों की संख्या में जेजेपी के नेताओं की गाड़ियां सीकर और आसपास के जिलों में दौड़ रही हैं, गांव-गांव जाकर रैली के लिए लोगों का न्योता भी दे रही हैं। जेजेपी इस रैली को अपनी साख का सवाल बनाकर चल रही है और ये सच्चाई भी है कि जेजेपी के लिए रैली आर पार की रैली है। ये भी कह सकते हैं कि ये रैली जेजेपी के लिए दोधारी तलवार भी है। दोधारी तलवार इसलिए है, ये एक ही वार में जेजेपी इस रैली के जरिए जहां राजस्थान में अपने आप को मजबूत पार्टी के तौर पर साबित कर सकती है, वहीं हरियाणा में भी अपने आप को इनेलो से पहले की तरह दमदार पार्टी के तौर पर अपना रुतबा कायम रख सकती है। यानी दोनों ही हिसाब से जेजेपी के लिए इस रैली को सफल करना बेहद जरूरी है। राजस्थान की सियासत में जेजेपी अगर कुछ हासिल करना चाहती है तो उसे सीकर की रैली को जबरदस्त सफल बनाना होगा। सामान्य सफलता से काम नहीं चलेगा, बल्कि उसे रिकॉर्ड तोड़ रैली सीकर में करनी होगी। रैलियों के मामले में वैसे तो चौटाला परिवार हमेशा अव्वल रहा है और उससे पहले ओम प्रकाश चौटाला ने भी बड़ी बड़ी रैलियां करके राजस्थान और उत्तर प्रदेश में पहले भी अपना दायरा बढ़ाने का प्रयास किया था और वो अपने प्रयासों में नाकाम भी रहे थे। थोड़ी बहुत सफलता मिलने के बाद इनेलो ने वहां के दरवाजे बंद कर दिए थे, अपने प्रयास बंद कर दिए थे और ओम प्रकाश चौटाला को ये एहसास हो गया था कि हरियाणा से बाहर उनकी पार्टी के लिए ज़्यादा संभावनाएँ नहीं हैं।
इसका कारण एक ये भी हो सकता है कि 2004 के बाद ओम प्रकाश चौटाला सत्ता में वापस नहीं लौटे, इसलिए पार्टी के पास इतने संसाधन भी नहीं थे कि वो राजस्थान और उत्तर प्रदेश में दोबारा से ट्राई मारने का काम कर सके। लेकिन दुष्यंत चौटाला की जेजेपी अब उस दायरे को बढ़ाने के लिए तैयार है, वो ओम प्रकाश चौटाला के रास्ते पर चलने के लिए तैयार हैं। दुष्यंत चौटाला हरियाणा की बीजेपी जेजेपी गठबंधन में डिप्टी सीएम बनने के बाद अब राजस्थान की सियासत में भी अपनी एक अहम भूमिका निभाना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने इस रैली की सफलता के लिए सारे संसाधन झोंक दिए हैं। अजय सिंह चौटाला, दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला तीनों ही राजस्थान के दौरे पर निकल चुके हैं और 25 सितंबर की रैली को सफल बनाने के लिए मिशन को शुरू कर चुके हैं। जेजेपी के छोटे बड़े सभी नेता भी सीकर के जंग में जम चुके हैं और वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रैली में लाने के लिए लगातार बंदोबस्त में लगे हुए हैं। हरियाणा के भी सभी नेताओं को हिदायत दी जा चुकी है कि उन्हें अपने अपने हलकों से भारी संख्या में लोगों को सीकर रैली में लेकर जाना है। सीकर की रैली तभी कामयाब होगी जब लगभग 10 से 15 हजार लोग राजस्थान से निकले और इतने ही लोग हरियाणा से भागीदारी करें, क्योंकि 20,000 से कम लोगों की रैली कोई भी इंप्रेशन नहीं छोड़ पाएगी और बीजेपी के ऊपर कोई दमदार असर नहीं छोड़ पाएगी। इसलिए कम से कम 20,000 लोगों की रैली करना वहां पर जेजेपी के लिए जरूरी होगा। जेजेपी के लिए रैली इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि 25 सितंबर को इनेलो कैथल में रैली कर रही है। देवलाल जयंती पर इनेलो की रैली बेहद अहमियत रखती है क्योंकि इस रैली के जरिए जहां इनेलो इंडिया गठबंधन में शामिल होने के लिए प्रयास करेगी, वहीं 6 महीने की प्रयत्न यात्रा के बाद ये रैली कर रहे अभय चौटाला की बरकत के बारे में भी हर कोई जानना चाहता है। यानी कैथल की रैली को जितना दमखम अभय चौटाला ने लगाया है उसकी तैयारियों को देखते हुए भी जेजेपी के लिए सीकर की रैली को बड़ा करना जरूरी हो गया है। इसलिए दुष्यंत चौटाला और जेजेपी के तमाम नेता सीकर रैली की कामयाबी के लिए जुटे हुए हैं। सीकर की सफल रैली के जरिए जहां दुष्यंत चौटाला बीजेपी को अपने साथ समझौता करने के लिए कोशिश कर सकते हैं, रजामंद कर सकते हैं, वहीं हरियाणा की सियासत में भी संदेश दे चुके हैं कि वो 2018 में जीती गई विरासत की जंग में अभी भी अभय चौटाला पर भारी पड़ रहे हैं और इनेलो के मुकाबले जेजेपी ज़्यादा दमदार पार्टी है। एक तरफ अभय सिंह चौटाला के साथ में इंडिया गठबंधन के तमाम नेता मंच पर होंगे तो दूसरी तरफ सीकर में दुष्यंत चौटाला अपने बलबूते पर अपने परिवार के साथ एक बड़े शक्ति प्रदर्शन को अंजाम देंगे। अब देखने की बात यह कि दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला और अजय सिंह चौटाला की तिगड़ी राजस्थान की सरजमी पर कितनी भारी संख्या में लोगों का शक्ति प्रदर्शन कर पाती है, वो कितनी बड़ी रैली कर पाती है, उनकी रैली में कितने लोगों की हाजिर रहती है और उनकी रैली राजस्थान की सियासत पर क्या असर छोड़ने का काम करती है। इस रैली की हाजिरी हरियाणा में भी जेजेपी के भविष्य को तय करने का काम करेगी, जेजेपी के दमखम को तोड़ने का काम करेगी और इनेलो के साथ विरासत और सियासत की जंग में उन्हें पहले या दूसरे नंबर पर रखने का काम करेगी। जेजेपी की सीकर रैली को जानने के लिए, जेजेपी की सीकर रैली की अंदरूनी कहानी को जानने के लिए, जेजेपी की इस रैली का राजस्थान और हरियाणा की सियासत पर पड़ने वाला असर को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।